तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे। तो अभी अभी उत्कर्ष भाई का कॉल आया था। वो बोल रहे थे कि मेरे कॉलेज की डेज आ रही है, मेरे को कपड़े लेने जाने का है। मतलब उस दिन गए थे इसलिए उस दिन उन्होंने जैकेट लिया। अभी फिर से कॉल आया कि मतलब आज संडे एकदम चिल, तो आज चलते हैं कि मेरे को थोड़ा कपड़े वगैरह लेने, ड्रेस वगैरह लेने, ड्रेस के लिए इम्प्रेशन डालने के लिए लड़कियों के ऊपर, इसलिए। तो फिर अभी उनका कॉल आया था कि वो बोल रहे कि आ रहा है उत्कर्ष, आ रहा है। पर तो उत्कर्ष बोला कि मैं तेरे को घर पे लेने को आता हूँ। तो फिर खाना वगैरह खा के रेडी रहे। तो अभी तो नाना तो हो गया था अभी पहला। अभी आज तो संडे था तो अभी भी जल्दी उठा, पता नहीं जल्दी उठ गया। और अभी खाना वगैरह खा के उत्कर्ष आएगा, उसके बाद में उसके साथ चलेंगे उसको कपड़े लेने के लिए, और बाद में देखते हैं तो फिर आगे क्या क्या होता है। ओके, तो कंटिन्यू द ब्लॉक। तो गाइस अभी मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बट टाइम पे कोई नहीं आता। उसने वो उत्कर्ष ने बोला था कि 1 बजे आऊँगा, अभी बज गए, देखो अभी बजे 1:30 बज गए, तभी भी आया नहीं। मतलब टाइम के आधे 1 घंटे बाद ही आएंगे। मतलब 1 बजे बोला है ना, 1 बजे आऊँगा तो 2 ही बजे आएगा। सबका ऐसा ही रहता है। आपके भी ऐसे दोस्त होंगे बराबर, सबके ऐसे ही दोस्त होते हैं, हमारे भी ऐसे ही दोस्त थे, निकल ले सारे के सारे, बाकी कुछ नहीं। पर भाई टाइम पे आने वाले बंदे, मतलब एक ऐसा है ना कि बाहर किधर जाना होगा ना शॉपिंग वगैरह को, तो फिर उधर लेट कर देंगे। पर बोला ना कि झगड़े हो गए, इसको मारना है, ऐसे हो गया है, ऐसा वैसा, तो आपने पावर दिखाने वहाँ पे 100% आ जाएंगे, वो भी फुल पावर में, पावर के साथ, वो भी फुल पावर के साथ आएंगे, और खाली हाथ में आएंगे, साथ में कुछ सामान वगैरह भी लेके आएंगे। वैसे तो आपने पास डेली सामान रहता है, वैसे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपने को, पर कोई बात नहीं। अभी मैं तो फुल रेडी हो चुका हूँ। अपना तो क्या नहीं, अपना क्या ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ एक पैंट, अपना पैंट टी शर्ट समझते, शूज़ पहन हो गया बस, बाकी कोई ज़्यादा नहीं होता अपना। और अभी यार ये कब आएंगे, मेरी तो रात देखनी पड़ेगी बस। बाकी और हमने हाल ही में एक नया वॉच खरीदा था, ये देखो कैसा है वॉच, कमेंट में बताओ। देखो तो एकदम स्क्रीन टच वॉच, स्मार्ट वॉच लिया था हमने, मतलब क्रोमा में गए थे वॉच देखने के लिए, पर क्रोमा वाले बोले कि 15 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, उसके बाद बोले 20 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, कब आएगा वॉच पता नहीं चलेगा। और अपना ऐसा है कि ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, जो चीज़ चाहिए वो जल्दी से चाहिए। 15 दिन तक रुका नहीं आया, जाने दो, दूसरे बाहर से ले लिया, महंगा होगा तो भी चलेगा, पर बाहर से लूँगा अच्छा लूँगा। तो फिर ऐसा है अपना भाई, पैसे का मामला नहीं अपना, इधर कोई आता रहता है जाता रहता है, वो तो हमेशा के लिए पैसा वैसे ही रहेगा, आएगा और जाएगा, क्योंकि पैसे संभाल के रखो तो वो पैसे कभी नहीं आएंगे। पर पैसे ऐसे ये खरीदो वो खरीदो तो पैसे आते रहेंगे, इधर से आओ उधर से आते रहते हैं वैसे भी पैसे हमारे पास, तो वैसे तो पैसे का कोई मामला नहीं अपने पास भी। ओके अभी यार देर तो बहुत हो चुकी है, देखते हैं कब आती है, और देखेंगे उन आने के बाद मज़ा तो बहुत आएगा। ओके चल देखते हैं। तो बहुत ही देर, मतलब बहुत ही वेट करने के बाद उत्कर्ष आए, हेलमेट लगा के आए आज, तो आ जाएगी हेलमेट वगैरह पहन के आए, बोलता क्या है कि वो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, वाह अच्छा। और इसने मुझे टाइम दिया था 1 बजे का, और अभी कितने बज रहे मालूम है, कितने बज रहे अभी? अभी तो डेढ़ डेढ़ नहीं, 2 बजे आए, थोड़ा बहुत चल चल रहता है, बड़े बड़े शहर में
क्यों मार रहा है अभी आपने जाने वो किसका अनुमान मान क्या और अभी क्या करने का है क्या देखने के जाते हैं तो जीन्स पैंट देखने का है टी शर्ट देखने के और कुर्ता देखने का है शूज देखने के अरे बाप रे मतलब देश की फुल तैयारी है गर्ल गर्ल्स इंप्रेशन इंप्रेशन नाम नाम है यस यस वही तो करना है पावर में पावर में हाँ अरे ये क्या बोलता उसका देश कर ली ना तेरा हाँ देश कर ली ना अभी शॉपिंग कर लो यार अरे यार बहुत ही देर कर दिया तेरे को अरे तो नहीं कर जाने का था पैसे निकलने को बट शनिवार को बैंक बंद था सैटरडे को आज संडे है बैंक बंद है कल मंडे रहेगा कल बैंक खुलेगा उसके बाद कब जाएगा इसलिए कुछ जुगाड़ करके लाए हैं पैसों का उसमें दिक्कत है बैंक की कुछ हाँ अरे पीछे से आगे से आगे से जा रहे हैं हाँ आगे से जाएंगे उसको हाँ आगे से आगे इधर से आगे से सुन हाँ किधर जाने का है अभी अभी किधर जाने का मालूम है क्या देखने को तेरे को क्या लगता है किधर जाना चाहिए अच्छी बात है मतलब मेरे लिए एक बार देख के लेना देखने का है सब हाँ को पसंद नहीं तो हम उसके बाद मॉल में जाएंगे और मुझे होगा आप क्या कर रहे हैं इधर से अंदर ले ले इधर से अंदर ले प्रेशर पाने का बात नहीं हाँ इधर से जाना पड़ता ना इधर से घर किधर को कितने होते देखो भीड़ है अरे तेरे को मालूम है कि एक तेरे को एक चीज मालूम है यार हमारे कॉलेज के डेज तो अलग है पर आप अपना नसीब फूटा हुआ है अच्छे अपना नसीब फूटा हुआ है तेरे को अरे भाई तेरे को मालूम है क्या वो मेट कॉलेज में है ना डेज खत्म कल खत्म हो गए और उधर कल कौन आया था मालूम है क्या शिल्पा शेट्टी उसके बाद वो आनंद शिंदे वगैरह वो आए थे डायरेक्ट शिल्पा शेट्टी मेट कॉलेज में हमारे कॉलेज का बजट नहीं था अरे हमारे कॉलेज में बजट नहीं है बहुत ही मतलब बकवास कॉलेज मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं मेरा दिमाग सटक गया है पूरा मेरे को ऐसा लग रहा है ना इंजीनियरिंग क्यों ले ली मैंने ऐसे बहुत ही दुख दर्द भी आई गर्मी में कुछ मेरे का तेरे को मालूम है क्या इधर ने क्या ये देखो इधर इधर है ना इधर गाड़ी गिर गई थी मालूम है तेरे को इधर पार्ट में इधर 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 ये पानी है इधर इधर पहले पानी रहता था मतलब पंद्रह एक दिन पहले ना कि इसमें पानी था और एक वैगनर थी ना क्या वैगनर वो वैगनर ये इधर 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 नीचे गिर गई थी मतलब किस्सा ये हो गया था कि वो आदमी जा रहा था और वो आदमी ने ड्रिंक किया हुआ था और उसके उसकी पत्नी भी थी वो ड्रिंक किया हुआ था सामने से एक लड़की आई है उस लड़की ने क्या लड़की थी क्या लेडीज थी ना वो वैगनर वाले को कट दिया तो वैगनर वाले डायरेक्ट उन्हें बिना शेम में डायरेक्ट वो गाड़ी ना सुबह सुबह डायरेक्ट इसमें डाल दी पानी उसने क्या क्या मालूम है वो खुद बाहर निकल कर आ गया और उसकी पत्नी को गाड़ी में छोड़ दिया मतलब नशे में आदमी क्या कर रहा था गाड़ी पानी में गिर गई उसके बाद उसने क्या खुद बाहर निकल के आ गया और पत्नी को पानी में रह दिया यार उसके बाद आए वो जैसे भी वो कर
अभी वो किस्सा तो खत्म हो चुका है, चलो आपको बुलाते इधर गन्ने का जूस। ब्लॉग ब्लॉग ओ आंटी आप मेरे को देख के हंस रही क्यों? जान दे जान चल चल अभी तो जाएंगे उत्कर्ष भाई को मस्त से कपड़े पड़े देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या प्लान होता है। अभी तो कितने 2 बज के 5 बजे से पहले तो घर भी नहीं जाता, 5 बजे तक घर नहीं जाता। कटवा देंगे